भी अच्छा है, थोड़ा सिमिलर केजीएफ टाइप है, केजीएफ टाइप है थोड़ा सिमिलर। बिल्कुल बिल्कुल, अलग स्टोरी, अलग एडवेंचरस चीज लेके आए, कैसे बात? मतलब कहते हैं ना कि काफी टाइम से जो हम लोग मूवी देख रहे थे, जैसा हमने क्रेज दवान और पठान का देखा था, सेम वही क्रेज जो है ना ये सलार का है, पता हिला के रख दिया है सलार ने, और वही एक्शन सीन्स डाला है, और इस तरीके से काफ़ी टाइम से हम लोग जो इंतज़ार कर रहे होते हैं ना कि साउथ इंडस्ट्री हो चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, निखिल धमाल मचा रखा है। ऑलमोस्ट 1000% भाई, थैंक यू सो मच। यस, इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। It is out of the world. It will blow your mind. This level of cinema is not happened in India till now. Sir, movie dekh rahe hain sir. हाँ, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। खास की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी थी। स्टोरी कैसा लगा? अच्छा है। पार्ट टू का वेट कर रहे हैं। सर कैसी लगी? बहुत मजा आया, मतलब मैं गूज बम, मतलब जितना कम बोलूँ मतलब उतना, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रभास की जो एंट्री, एक एक एक्शन सीन्स, मजा आ गया, लिटरली पैसा वसूल हो गया। मैं क्या बताऊँ, मतलब हर एक मूवमेंट में जब भी देख रहा हूँ कोई ना कोई मूवमेंट ऐसा आ रहा है कि मतलब मैं गूज बम से, मतलब गूज बम भी छोटा वर्ड है मेरे लिए, बहुत नेक्स्ट लेवल, मतलब अमेजिंग, मज़ा आ गया, पैसा वसूल, मतलब फर्स्ट से फर्स्ट शो का मज़ा आ गया। थैंक यू सर। मूवी इज ऑसम, मूवी इज ब्लॉकबस्टर, डार्लिंग प्रभास इज बैक, आई कैन टेल यू, हर किसी को ये मूवी देखनी चाहिए। व्हाट अ इमोशन, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, fighting sequence, everything like DOP, superb he did, and all over movies blockbuster, 2000 crore is sure, movies you can't leave single minute from movie, you can watch 100%, and darling Prabhas is back, I can tell you. He's awesome director, I can tell you. I am very excited. I will go 1000 times more actually. For Prashant sir is superb. Emotion is awesome. I can tell you, I am very actually excited. I can tell you. Very emotion, very attached drama movies. This is actually, and this movie will be rock. I can tell you actually. You can't leave your seat single minute. And I can tell you, darling Prabhas is back. We love you, Prashant sir. Thank you. So basically, how you like the movie and this time Prabhas कुछ नए अवतार में वापस आ रहे हैं, कैसी लगी movie? So the first of all, though, I will talk about Prashant Neel sir. The amount of efforts he puts in storytelling, जो mass amount of build करते हैं, जो sequence build करते हैं, उनके जैसा कोई build नहीं कर सकता. Character building. और जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी कैरेक्टर बिल्डिंग करना और उस लेवल को हाइप लेके जाना, प्रशांत सर यू नेल्ड इट दिस टाइम। एक्शन इज ऑन नेक्स्ट लेवल, नाउ वी आर गेटिंग व्हाई दिस मूवी गॉट ए स्टार, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एक्शन, एक्शन इज टॉप नॉच। सेकेंड हाफ तो फर्स्ट हाफ से भी 10 गुना ऊपर था, जो क्लाइमेक्स सीक्वेंस था और जिस पॉइंट पे एंड किया है मूवी, अभी से पार्ट टू के लिए हाइप बढ़ गई है मेरे लिए। स्टोरी किस तरीके का है? स्टोरी हाँ, एंड एज वी नो प्रशांत सर इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, उनकी स्टोरीज जेन्युइनली बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी से ये स्टोरी लिखी गई है, और कुछ न्यू देखने मिला है, किंगडम के ऊपर एक देखने मिला है, और पार्ट टू का जो एंड में जो सीक्वेंस था, जो सस्पेंस है वो मैं बताऊंगा नहीं, बट वो सीक्वेंस के लिए और वो सस्पेंस के लिए मैं वापस जाऊंगा। 5 out of 5, थैंक यू सो मच। मूवी ओवरऑल तो अच्छी है, लेकिन एक्शन डोज थोड़ा ज़्यादा है और वाइब है केजीएफ वाली, थोड़ा डार्क है, एक्शन ज़्यादा है, कहीं कहीं स्टोरी छोड़ती है फिर पकड़ लेती है, ओवरऑल मूवी मतलब गुड, एक्शन अच्छी, टोटल एक्शन है, अगर 3 घंटे की मूवी है तो उसमें 1.5 घंटे एक्शन ही है,
और स्टोरी लाइन में प्रभास का कुछ काम नहीं है एक्टिंग में, स्टोरी में वो बस एक्शन ही कर रहे हैं मूवी में, इसलिए 2.5 स्टार। KGF की वाइब आ रही है, सेम स्टोरी जा रही है KGF की तरह, इसलिए थोड़ा कम। हाँ स्टोरी टेलिंग वो पीछे से बैकग्राउंड में बोलते रहते हैं, उससे क्या लोगों को समझाते रहते हैं कि क्या चल रही है स्टोरी। अभी सेकंड पार्ट भी आने वाला है, अब देखेंगे उसमें क्या है। जिस जगह उसने छोड़ा है उसके हिसाब से तो बाहुबली का अभी याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कि बाहुबली की कुर्सी पे कौन बैठेगा, तो वैसा ये भी इसमें भी है कुछ बाहुबली की वाइब भी है थोड़ी बहुत। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी आपको? जी मुझे बहुत पैसा वसूल लगी, जिस टाइप की मूवी देखने आया था मैं वैसी ही लगी, मैं कुछ अलग एक्सपेक्ट करके नहीं आया था। और प्रशांत नील की हमेशा से खासियत रही है कि वो एक दुनिया बनाते हैं अपनी फिल्मों में, एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, उनका एक्शन जो रहता है ओवर द टॉप रहता है ऑब्वियसली, बस बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड रहता है, तो उसमें आप कोई भी वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और ड्रामा पे ये मूवी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है कि ज़्यादा टाइम इसमें स्कीमिंग और स्टोरी प्लॉटिंग में दिया गया राधा देन की बिना सर पैर का वायलेंस हो, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि फॉर अ चेंज बहुत अच्छा ड्रामा। एनिमल में भी हम लोग को देखने को मिला था कि ज़्यादा ड्रामा था, उसके बीच में वायलेंस थी, वायलेंस से ड्रामा नहीं थी। तो प्रभास की एक्टिंग, हाँ जी 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 बाहुबली के बाद उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट फिल्म भी है। अभी तो एक बार देखा हूँ, आई थिंक 4, 3.5 or 4। कमी जस्ट इन द सेंस कि थोड़ा जो कमी नहीं बोलूँगा मैं जैसे पहले बोला कि अभी पहली बार देखा, हो सकता है सेकेंड वीक में और अच्छी लगी, कुछ मिस हो गया। तो 4 भी इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था वही मिला, कुछ मुझे उससे वो मिल जाता, तो 5 out of 5 थी, बट 4 इज़ गुड। अगर दोबारा देखूँगा तो आई एम श्योर कि और ज़्यादा रेटिंग बढ़ेगी। थैंक यू। प्रभास ने मतलब बहुत ग्रैंड कमबैक किया है। प्रभास मतलब ऐसे रोल में मतलब अच्छे सूट होते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उसी के लिए रोल बना गया था, टेलर मेड रोल था प्रभास के लिए। और बाहुबली के बाद बहुत अच्छे से कमबैक किया है प्रभास ने। जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं वॉयलेंस 10 times बढ़ जाता है, जो देखने में बहुत मज़ा आता है। एक एक सीन को मतलब अच्छे से शूट किया गया है। और प्रशांत नील का जो विज़न है वो विज़न दिखता है पर्दे पे, क्या जो उनका विज़न है। और पार्ट वन में मतलब इतना कुछ बताया नहीं गया है, पूरा सेटअप किया गया है पार्ट टू के लिए। पार्ट वन में मतलब स्टोरी को खाली बिल्ड किया गया है, मतलब दोनों का जो बॉन्ड है पृथ्वीराज सुकुमार जी और इसका दिखाया गया है प्रभास जी का, और माँ और बेटे का जो एंगल है वो भी अच्छे से दिखाया गया है। और मूवी में कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, तो तुमको मतलब ध्यान रखना रहता है मूवी में, मतलब तुम मूवी से जरा भी इधर उधर हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, इसलिए पिक्चर आपको बांधे रखती है। बाकी मूवी थोड़ी डार्क हो गई, थोड़ा हल्का सा और ब्राइट होनी चाहिए थी, खाली वही एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा बस। हाँ एक्टिंग थोड़ी अच्छी हुई है, मतलब इसमें ऐसा लग रहा है डेडिकेशन उनका था, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बाहुबली में जो उन्होंने डेडिकेशन दिया था वैसे उसमें सलार में भी उन्होंने डेडिकेशन दिया है। आदि पुरुष में ऐसा वो डेडिकेशन दिख नहीं रहा था, इसमें ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना 100% नहीं 200% दिया है, तो मतलब अच्छा दिखता है पर्दे पे, उनकी मेहनत दिखती है क्या उन्होंने मेहनत किया है। हाँ स्टोरी मतलब अच्छे से दिखाया गया है, अच्छा बिल्डअप किया है, मतलब उनको जैसा KGF की एक दुनिया है अलग, वैसी सलार की भी एक दुनिया नई दुनिया स्टार्ट की है उनने, जैसा पार्ट वन में मतलब सेटअप किया गया था KGF में जैसा, तो पार्ट टू को फ़ायदा हुआ था, वैसा सलार में भी पार्ट वन में सेटअप किया गया जो पार्ट टू में मतलब बहुत बहुत ग्रैंड लेवल पे होगा, इससे 10 times बेटर होगा पार्ट टू। 4.5। हाँ ऐसा लग रहा है कि प्रभास इज बैक, यस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लग गया। कैसी लगी मूवी और जैसे प्रशांत
बिल्कुल प्रशांत सर का अभी जैसे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग बहुत बढ़िया है, बैकग्राउंड उनकी फिल्म का कमाल ही होता है, हाई होता है हमेशा। और जो उन्होंने ये था कि एक KGF जो हम लोग देख चुके थे, तो KGF के बाद अगर वो कुछ बनाने जा रहे हैं तो कुछ बड़ा होना चाहिए, तो वाकई में सब है, मतलब खान सर एक कमाल है। और कहा जाए कि बाहुबली के बाद प्रभास की ये, उसके बाद ये बिग कमबैक बिल्कुल। ये जो निराशा जो हुई थी बीच में दो तीन फिल्मों से, बिल्कुल सब धो दिया उन्होंने, वो इस फिल्म में डायलॉग में फोड़ डाला, तो वो फोड़ डाला उन्होंने। यही मैं बोल रहा, छोटे छोटे हैं वो, एक्चुअली उनको ज़्यादा डायलॉग्स दिए नहीं है, कम बात करते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन उसी पे तालियां बज रही है। ठीक है, तो आउट ऑफ 5 कितना देंगे? 5 में से 5 है, क्योंकि बोर बिल्कुल नहीं हुआ हूँ मैं। थैंक यू सो मच जी। आई होप सो। हाउ यू लाइक द मूवी? और इसमें जैसे हमने देखा है बाहुबली के बाद प्रभास ने बिग कमबैक हुआ है, कैसे लग रहा है उनका एक्टिंग, एक्शन, ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से प्रशांत सर ने किया है क्या जो स्टोरी टेलिंग प्रशांत नील की हमेशा रहता है, वर्ल्ड बिल्डिंग दैट वाज दी बेस्ट। प्रशांत नील का जो स्टोरी बिल्डिंग रहता ना, दैट प्लॉट्स लाइक ही गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी सिंगल कैरेक्टर, वो ये मूवी में भी दिखाया जा रहा है। लाइक फर्स्ट हाफ से लेकर सेकेंड हाफ तक एवरी कैरेक्टर हैज पुट एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस मूवी। प्रभास इज अ फैंटास्टिक जॉब। जो प्रभास का जो एक्शन एंड उसका जो वो ऐसा दिखता है ना कि पहले के मूवीज़ में एकदम ऐसा स्वीट चॉकलेटी वे, और उसके बाद वो एकदम विलन, वो ये मूवी में आपको देखने मिल जाएगा। यू विल गेट हिट नॉस्टैल्जिया बाय सीइंग पहले का मूवीज। जैसे बात करें फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है, तो जैसे सेकंड हाफ में क्राउड को उस तरीके से पकड़ रखा था। I will tell you, first scene से लेके end scene तक पकड़ के रखा था। So how will you rate this movie out of 5? 4.5. Why half marks? I will tell half marks because उनने ना बहुत सारे ना एक एक प्लॉट डाले, और हाफ मार्क में इसलिए काटा क्योंकि फर्स्ट में जब भी सीन था ना, जब भी फर्स्ट सीन नहीं, जब भी टाइटल था ना, तभी लिखा था इंट्रोडक्शन, सॉरी स्पेशल थैंक्स फॉर रॉकिंग यश। हम लोग उसके लिए एंड क्रेडिट्स तक भेजे कि यश आएगा और आया ही नहीं है, तो मैं मेरे को वही क्वेश्चन है कि वो लिखा क्यों है फिर अगर है ही नहीं तो। नो ना, आई एम नॉट डिमांडिंग, अगर नहीं है ना, इट्स टोटली नहीं रहते तो हमको कोई फर्क नहीं कि प्रभास ने वो किल्ड किया, बस वो क्वेश्चन है कि अगर आपने नाम लिखा है तो क्यों लिखा है, उसके आंसर्स दे देते हमको। थैंक यू सो मच।